हेलो दोस्तों, बात करें इन दिनों चल रहे इंडिया के मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रोवर्सियल शो बिग बॉस सीजन 17 के बारे में। तो इन दिनों ये शो काफी हिट चल रहा है, तो आए दिन मेकर्स इस घर के अंदर न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री भी करा रही हैं। लेकिन खबरें थी कि लव किस कटारिया की एंट्री बिग बॉस सीजन 17 के हाउस में होने वाली है, और आप सभी का यही क्वेश्चन है माइंड में कि अभी तक लव कटारिया की एंट्री हुई क्यों नहीं। तो गाइस बता दे, इस बार का बिग बॉस का सीजन 17 इतिहास रचने वाली है, क्योंकि इस बार मेकर्स इस शो को काफी लंबा एक्सटेंड करने वाले हैं और ये शो काफी लंबा चलने वाला है। और यही रीजन है कि लव किस कटारिया को इतनी जल्दी घर में एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि लव किस कटारिया पहले ही कह चुके हैं कि वो घर में 2-3 महीने नहीं रह सकते हैं। तो इसी वजह से कभी ओड़ी तो कभी ओड़ा। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली ओड़ा को ही, जो कि एक केपॉप स्टार है, उन्हें बिग बॉस के हाउस में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। लेकिन जैसा कि लोगों का उम्मीद था, वो बिल्कुल भी कुछ खास बदलाव नहीं ला सके, और ना ही लोगों के बीच क्यूरियोसिटी लेवल हाई हो पाई है, जिससे कि वो इस शो को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो पाए। तो वही मेकर्स का प्लान है कि वो इसी मंथ में क्रिसमस के आसपास में लव किस कटारिया को एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री देने वाले हैं, और करीब 1.5 से 2 महीने तक लव किस कटारिया बिग बॉस के हाउस में रहने वाले हैं। और गाइस आप सभी जानते हैं, लव किस कटारिया अपने न्यू अंदाज में एंट्री लेंगे, और जिसके बाद जो धमाका होगा वो तो सभी जानते ही हैं। और हो सकता है लव किस कटारिया इस शो के विनर भी बन जाए, जैसे कि अल्पेश यादव आकर धमाका मचाए थे। सो गाइस, आप कितना एक्साइटेड लव किस कटारिया को क्रिसमस के दौरान बिग बॉस के हाउस में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह बिग बॉस से जुड़ी ढेर सारे अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।